मुंबई रेलवे लाइन पर मौजूद रेलवे का वो करिश्मा जिसको हर एक व्यक्ति देखना चाहता है। ये वो जगह है जहां पर स्टील ब्रिज बनाया गया, वो भी महज 4 घंटे में। देखिए किस तरीके से ये स्टील ब्रिज बना दिया गया, और ये काफी बिजी लाइन है जिस लाइन के ऊपर इसे बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, जिनकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो आज 800 टन कैपेसिटी बोली जाती है, यानी इतना भारी वजन उठा सकते हैं। 160 टन का ये स्टील ब्रिज है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ट्रेनें निकल रही थी इस ब्रिज के बनने से पहले, क्योंकि इसके लिए 4 घंटे का एक तरीके से ब्लॉक लिया गया, क्योंकि काफी बिजी लाइन है। और इतना भारी भरकम ब्रिज जब बनाया जाता है तो अमूमन इसमें कहा जाता है कि 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इस जगह पर, यानी इतनी बिजी जगह पर, महज 4 घंटे का ब्लॉक लिया गया, और वहां पर हम कह सकते हैं हाथों हाथ इस रेलवे ब्रिज को बना दिया गया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इस जगह पर लगातार ट्रेनें निकल रही थी जब तक ब्लॉक नहीं हुआ था, उससे पहले कि मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए, ये देखिए एक और ट्रेन जा रही है, और ये ट्रेन हम कह सकते हैं, देखिए किस तरीके की ट्रेन है, ये मालगाड़ी है और एक अलग तरीके की ट्रेन है। और इतनी भारी भरकम ट्रेनें जब यहाँ से गुजरती हैं और काफी स्पीड से गुजरती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक काम है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें ब्लॉक लिया जाता, यानी लगातार 6 महीने तक काम किया जाता, तो कितना नुकसान था भारतीय रेलवे का। अगर हम उसकी बात करें तो वाकई जो पुराना जमाना है वो बीत चुका है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इस वजह से इस व्यस्ततम रूट पर भी महज 4 घंटे के लिए ट्रैफिक रोका गया और उसकी पूरी तैयारी की गई थी। आइए हम आपको दिखाते हैं एक और ट्रेन जो थोड़ी देर पहले गुजरी थी। ये देखिए दूसरी ट्रेन चली आ रही है, स्पीड में भागती हुई, खड़बड़ 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 आवाज आ रही है, अलग अलग आवाजें आ रही हैं। देखिए ट्रैक के साथ इसका इंटरेक्शन सुनिए। लेकिन ये बिजी रूट, इसको कैसे रोका जाए, कितना टाइम लिया जाए, कम से कम कितना टाइम लगे, इसमें रेलवे के अधिकारी हम कह सकते हैं पूरा उन्होंने दिमाग लगाया, तो जो कैलकुलेशन किए उस हिसाब से सिर्फ 4 घंटे ही चाहिए उनको। ये देखिए ये लोकल जा रही है, ये दिल्ली और ये उपनगरीय इलाकों के लिए लोकल चलती है, वो तुरंत निकलती है। तो तमाम ट्रेनें यहाँ पर निकलती हैं, मालगाड़ी भी है, पैसेंजर भी है, लोकल भी है, और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड गाड़ियां भी निकलती हैं जिनका उपयोग अलग तरीके से होता है, तो वहां उससे पहले पूरी तरीके से तैयारी। ये देखिए कोई भी ट्रैक ऐसा नहीं है जिस पर ट्रेन नहीं निकलती है, 4 ट्रैक हैं, चारों पर ट्रेन। ये देखिए एक मालगाड़ी चली जा रही है, अपनी स्पीड में चली जा रही है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी भरकम कंटेनर इस पर लदे हुए हैं और काफी स्पीड में चल रही है, क्योंकि इसको अपने गंतव्य पर पहुंचना है। अगर भारतीय रेलवे की बात करें तो इसकी जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो माल भाड़े से होती है, लिहाजा ये हमेशा एक तरीके से कह सकते हैं कि कमाऊ ऊत है, मतलब ये कमा के दे रही है। लेकिन यहाँ से पैसेंजर गाड़ियाँ भी लगातार निकली हैं। तो ये 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन था, 26 जनवरी 2020। ये देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं कि कब ब्लॉक शुरू हो। एक और लोकल जा रही है, ये देखिए लोकल का अगर हम कलर देखें, ये देखिए लाइट में किस तरीके से अलग तरीके का ग्लो दे रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी गाड़ी जा रही है। और चूंकि यहाँ पर तैयारियां थी, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई थी और बड़ी बड़ी क्रेनें लगाई गई थी, तो यहाँ जो भी ट्रेन निकल रही है उसका हम कह सकते हैं बढ़िया वीडियो बन रहा है। देखिए जो निकल रहा है उसका हम लोग वीडियो बनाए ले रहे हैं। और अगली ट्रेन, एक और ट्रेन आ रही है बड़ी स्पीड में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं RPF के लोग भी आ चुके हैं, और ये ट्रेन बड़ी स्पीड में जा रही है, क्योंकि इसको कोई लेना देना नहीं यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इसको जल्द से जल्द दिल्ली पहुँचना है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं 4 घंटे के ब्लॉक में, यानी जब ये ट्रेनें पूरी तरीके से बंद कर दी गई, उसके बाद ऐतिहासिक काम किया गया 26 जनवरी के दिन।